Hello everyone, today I am going to show you how to make a GK video template in PowerPoint. First of all, you go to PowerPoint. सबसे पहले हम एक GK video का template बनाएंगे. कि किस तरह से हम एक जीके वीडियो का टेम्पलेट बनाते हैं वो हम दिखाते हैं, और उसमें क्वेश्चन टाइप करते हैं और उसे एक प्रोफेशनल एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं. सबसे पहले आपको जाना है डिज़ाइन में जाना है पेज सेटअप, और पेज सेटअप में जाने के बाद आपको जाना है पेज सेटअप में आपको ऑन स्क्रीन शो 16:9 लेना है. ठीक है, उसे ओके कर देंगे तो इस तरह का आपका टाइटल स्लाइड आ जाएगा जो यूट्यूब के लिए सबसे बेस्ट साइज है. ठीक है, ये हम सिलेक्ट करेंगे, इसे हम डिलीट करेंगे और देखेंगे किस तरह से हम एक टेम्पलेट बनाते हैं. ठीक है, टेम्पलेट बनाने के बाद एक टेम्पलेट बनाएंगे तो बार बार उसमें क्वेश्चन टाइप करेंगे और उसमें आप प्रॉब्लम ऑप्शंस दिखा सकते हैं. ठीक है, उसके लिए क्या करना है, जैसे हम जाएंगे इंसर्ट में, जाएंगे शेप में, आप किसी भी तरह का शेप ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. ठीक है, हम भी एक शेप दिखाते हैं, जैसे ये वाला हम एक शेप लेते हैं और ये वाला शेप हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हम इसे काम करते हैं. ठीक है, एक शेप ले लिए हैं. ठीक है, इसमें पूरा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक लेंगे और इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन होगा. हम इजीली बहुत इजीली कैसे बनाते हैं एक टेम्पलेट को, उसका हम आपको दिखाते हैं. ठीक है, एक हो गया. ठीक है, इसे हम डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करें, कंट्रोल डी. ठीक है, सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी सेलेक्ट करने के बाद इसे हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे अकॉर्डिंग टू आवर नीड. हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और इसे यहाँ बटा देंगे. ठीक है, और इसे फिर हम इसे और एक कंट्रोल डी से एक बनाएंगे. ठीक है, ये हमारे ऑप्शंस के लिए है. ठीक है, फिर कंट्रोल डी लेंगे. ठीक है, और चार मैंने ले लिया तो ये वाला थर्ड पॉइंट, इसे थर्ड लेंगे. राइट, बहुत इजीली कैसे हम बनाते हैं और बहुत कम समय में कैसे बनाते हैं वो हम आपको दिखाते हैं. ठीक है, ये थर्ड है और हमारा एक फोर्थ है, ये वाला फोर्थ है. देखिए किस तरह से हम बहुत इजीली 5 सेकंड में इसे हम बना के दिखाएंगे. ठीक है, तो बहुत जल्दी बनाने के लिए आपको किस तरह से इजीली और बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल चीज़ बनाने के लिए आपको इस तरह से थोड़ा सा करना पड़ेगा. ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा है तो आप थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड. थोड़ा सा छोटा कर दिए और इसे देख लेना, थोड़ा सा टाइम देके आपको ठीक से सजा लेना है. ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा है, आपको थोड़ा सा छोटा कर देना है यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, राइट, अब इसी तरह आप क्या करेंगे, इसको पूरा कर ले लेंगे. राइट, और इसे आप डिलीट कर दिए, ये भी डिलीट कर देते हैं और इसके हम पूरा कंट्रोल डी से पूरा इसको सिलेक्ट करेंगे. पूरा को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी से इसको हम क्या करेंगे, एक डुप्लीकेट बनाएंगे और इसे पकड़ के हम इसे नीचे रख देंगे. ठीक है, देखिए मेरा कितना जल्दी जल्दी एक स्लाइड बन गया. और स्लाइड में थोड़ा सा हम सजाते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा एक यहाँ पर शेप लेते लाते हैं, जैसे ये डी शेप लेंगे, ये वाला हमारा डी शेप है. ठीक है, ये डी शेप हम यहाँ पर बैठा देंगे. राइट, यहाँ पर बैठा देंगे और इसे थोड़ा सा हम रोटेट कर देंगे. ठीक है, रोटेट करने के लिए आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है फॉर्मेट में और यहाँ से आपको इसे रोटेट कर दीजिए, 90 रोटेट कर देते हैं. और येलो जो कलर है इसे आपको पकड़ के थोड़ा सा खींचना है, ये राउंड हो जाएगा. ठीक है, राउंड हो गया और यहाँ पर आपको मिडिल में इसको बैठा देना है. ठीक है, देखिए हम इसको थोड़ा सा मिडिल में बैठा दिए. ठीक है, और इसे थोड़ा सा बड़ा अकॉर्डिंग टू नीड, थोड़ा सा बड़ा छोटा करके आपको थोड़ा सा सेटिंग कर लेना है. ठीक है, इसको थोड़ा सा हम ऊपर उठाते हैं. ठीक है, और इसे थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, इसे थोड़ा सा छोटा कर देंगे. ठीक है,
और बस हो गया। ठीक है, अभी इसमें थोड़ा सा कलर हम चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पर करेंगे कलर, कलर चेंज कोई भी कलर आप ले सकते हैं। जैसे हम थोड़ा सा येलो कलर ले सकते हैं, अगर येलो कलर लेंगे तो यहाँ पर आपको जाना है सेप फील में जाना है और इसे येलो कलर कर देना है। ठीक है, इसे भी हम चाहे तो येलो कलर कर सकते हैं। राइट, सबको हम येलो कलर करेंगे। यहाँ पर येलो कलर में जाना है, सेप फील में जाना है और इसे कर देंगे येलो कलर। ठीक है, यहाँ पर भी जाएंगे सेप फील, सेफ फील में जाएंगे और करेंगे येलो कलर। ये पर भी यहाँ पर जाएंगे सेफ फील में जाना है आपको। ठीक है, यहाँ पर सेफ फील कलर येलो। ठीक है, और यहाँ पर जाने के बाद सेफ फील में जाएंगे और येलो कलर कर देंगे। ठीक है, इस तरह का हम टेम्पलेट बहुत अच्छे तरह से बना सकते हैं। इसे भी आप चाहे तो कलर चेंज कर सकते हैं या सेम कलर दे सकते हैं। हम इसे दूसरे कलर देते हैं, ये कलर हम देंगे ग्रीन कलर दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ग्रीन कलर हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा साइज छोटा कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर हम दो चीज़ और भी दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर जाएंगे इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे और कोई भी दो शेप हम ले सकते हैं। जैसे ये वाला एक शेप लेते हैं और ये शेप हम थोड़ा सा यहाँ पर बना लेते हैं। इस तरह का शेप हम बना सकते हैं। ठीक है, और इसे हम करेंगे कॉपी कंट्रोल डी से और इसे आपको यहाँ रख देना है। इस तरह का हम एक बहुत अच्छा एक टेम्पलेट बना सकते हैं बहुत ही कम समय में। ठीक है, बहुत ही कम समय में हम बना सकते हैं। और इसे आप अगर कुछ बन लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर एडिट टेक्स्ट में जाना है, यहाँ पर लिख देते हैं सब्सक्राइब। सब्सक्राइब, और यहाँ पर लिख देते हैं शेयर। ठीक है, यहाँ पर सब्सक्राइब, यहाँ पर शेयर, यहाँ हम टाइमर लगाएंगे, यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। ये ऑप्शन, चार ऑप्शन रहेगा। ठीक है, और अगर चाहे तो आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड के लिए आप कोई भी कलर या ग्रेडियंट या पिक्चर्स कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, हम टेक्सचर फिल देखते हैं, अगर अच्छा लगता है तो टेक्सचर फिल भी हम दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। ये हमारा बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड में ये जो हमारा कलर है, हम कलर को चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। हम देख लेते हैं कौन वाला कलर है हमारे अच्छा लग रहा है। ठीक है, हम देख लेते हैं, डीप कलर देंगे तो ये वाला आएगा। राइट, ये भी हम दे सकते हैं। या और भी टेक्सचर कलर है, जो भी टेक्सचर कलर आपको पसंद है, ग्रीन, हाँ ये भी अच्छा लग रहा है। राइट, यही तो ये वाला कलर हम दे देंगे। ठीक है, इसे ओके कर दिया। और ये कलर को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसमें थोड़ा सा हमको दूसरे कलर चाहिए तो हम कलर चेंज कर लेंगे। सपोज इसमें थोड़ा सा हमको दूसरे कलर चाहिए, ग्रीन है तो हम ब्लू ले लेंगे। ब्लू कलर, ये ब्लू कलर ले सकते हैं या ये भी ब्लू कलर ले सकते हैं। ठीक है, ब्लू कलर ले लीजिए, देखने में थोड़ा और अच्छा लगेगा। यहाँ पर हम टाइमर फिट करेंगे। ठीक है, और बाकी सब देखिए, इस तरह का एक बहुत अच्छा एक स्लाइड बना सकते हैं। और यहाँ पर हम क्वेश्चन भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्वेश्चन टाइप करेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पर जाना है, हमको स्लाइड मास्टर में जाएंगे और वहाँ पर अगर बनाएंगे तो हमारा